जो करके आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और बाबा परमेश्वरनाथ की पावन भूमि पर आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए मिजाज क्या है आप लोगों का, मिजाज होना चाहिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज टनाटन टनाटन तब ना नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। और बहन लोग के खाता में 1,00,000 रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट। और लालटेन पे वोट गिरी टनाटन 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 ठका ठक। तो आप सब लोग के बीच हम आए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सुधाकर जी लालू जी ने राहुल गांधी जी ने मुकेश जी ने लेफ्ट के सभी लीडर्स ने इनको इंडिया अलायंस का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रत्याशी बनाया है। तो आप सब लोगों से अपील है कि एक एक वोट जो है भाई सुधाकर को देकर के इनको भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें। प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, चिल्ला जी आ रहे हैं, फल्ला जी आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं 134 साल के नौजवान को रोकने के लिए। क्यों रोकना चाहते हैं? हम तो नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपके अधिकार की बात कर रहे हैं, आपके सम्मान की बात कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये मोदी जी खास करके कल ही कहले हो कि हम जेल भिजवा देंगे तेजस्वी को। 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे कि 10 साल में क्या कहला प्रधानमंत्री तू रहो ही बताओ, 5 साल का करवा ही बताओ। तो आ करके हमने के बोले तेरे की जेल भेजवा देंगे। जब लालू जी ने मेरे लालू जी का लड़का डराएगा हमने के खाटी बिहारी है गुजराती लोग से डरे वाला नहीं थे। ये दिल्ली और झारखंड नहीं थे, ये बिहार का बिहार। आप लोग सब लोग देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बताओ 75 साल के होकर एक 35 साल के नौजवान को धमकी आ रहा है। अरे यानी इनका कहने का मतलब है कि इनके पॉकेट में सीबीआई इनकम टैक्स हो, कोर्ट कचहरी के ना मान करे, कोर्ट कचहरी के ना। क्या बात कर रहे प्रधानमंत्री जी, आपका मन किया जिसको दागी बना दो जिसको जेल भेज दो इसको उठा लो उसको अंदर कर दो। ये तानाशाही आपका घमंड बिहार की जनता चकनाचूर करेगी चकनाचूर करेगी। यही तानाशाही के खिलाफ आप लोगों के बीच आए, ये आप मालिक हैं, आपको जवाब देना है। लेकिन कुछ लोग खड़े हो गए इधर उधर, उधर बटना नहीं है, एक रह करके करारा जवाब देना है प्रधानमंत्री जी को भाजपा के लोगों को। 10 साल से बक्सर की जनता बीजेपी को जिता रही है, प्रधानमंत्री बताओ बक्सर के लिए क्या किया बताइए, एक अरवा काम बता दीजिए पहले वाले बक्सर के लिए कोई काम नहीं किया, केवल वोट लेके चले जाते हैं। पता अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन की बात नहीं करते प्रधानमंत्री, अब 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं करते प्रधानमंत्री,
अब किसान का आय दुगुना हो उसकी बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। गरीबी और महंगाई पे प्रधानमंत्री बेरोजगारी पे कुछ नहीं कहते हैं। काहे इतना झूठ बोल लिए? अब खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और कहा करके उनको भगवान ने भेजना है, हम भी लोग उनके क्या भेजने बाबा भगवान है ना। खाली उनके नहीं के भगवान भेजने बड़े हम भी लोग इनके ना एक क्या बात करते, कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते कि गोबर का भी हलवा बना देते हैं, खाली झूठ। दुनिया में इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेगा जितना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया। आज नौकरी के एजेंडे पे प्रधानमंत्री को तेजस्वी ने सड़क पर लाने का काम किया है। आप माने के ताकत देते रहिए, तेजस्वी जो है आपकी लड़ाई लड़ेगा जब तक बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देता, जब तक अपने नौजवान भाइयों को नौकरी नहीं दिला देता तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तेजस्वी कहता है तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस एजेंडे के साथ हम लोग काम करेंगे और पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बहनों को साल में 1 लाख रुपए का मदद गरीब परिवार की बहनों को करेंगे। आप घर जाइएगा तो बहनों को कहना, मम्मी को कहना कि तेजस्वी भैया आए थे, कहे कि साल में 1 लाख रुपया हर साल देने का काम करेंगे, यानी हर महीने 8,333 रुपया सीधे खाते में ठगा। 5 किलो अनाज ना 10 किलो अनाज मिलेगा, 10 किलो अनाज अग्निवीर योजना के खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना को बता नौजवान खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रधानमंत्री का उम्र कितना है? 75। हम मांगते रहे और 5 साल, हम के भाई बन के रिटायर करा दिया अग्निवीर में 25 साल में, आपने मांगते रहे 5 साल, 75 के हो गए। हम नौजवान 18 में चाहिए अब 22 में रिटायर कर जाए, 40 साल में ना पेंशन दी है ना शहीद के दर्जा दिए है ना कैंटीन की सुविधा बा अग्निवीर में। इसलिए हमने के सबसे पहले अग्निवीर योद्धा के खत्म करेंगे, पुरान जैसे बहाल हो वैसे ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे सेना में। 200 यूनिट फ्री में बिजली, और मोदी जी जो गैस सिलेंडर कर दिए हैं कितना 1200, ओकरा के 500 हम लोग करेंगे 500। तो ये सब शाम बा, लेकिन देखो एक एक आदमी के लोग उनके जोड़े के बाद जाइए गांव में दलित भाई के पास जाइए, अति पिछड़ा भाई के लगे जाओ, लोग उनके गले लगाओ, सम्मान दो, तो एक काम कीजिएगा तेजस्वी का, पहले दोनों हाथ उठा के बताइए काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। दलित टोला जाइएगा, अल्पसंख्यक भाइयों के बीच जाइएगा, आप अति पिछड़ा समाज में जाइएगा, दोस्ती कीजिएगा, उन सबको जोड़िएगा, काम कीजिएगा ना। जिस दिन भी काम कर लीजिएगा बक्सर से जीतेंगे जीतेंगे, बिहार भी जीतेगा, तेजस्वी आपका भाई मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो एक जगह की जरूरत बा, ज्यादा समय नहीं किया और जगह हमारे कार्यक्रम बा, तो रोवा लोग आशीर्वाद दी सुधाकर जी के जिताएगा बा, तो आशीर्वाद हाथ उठा के दी विजय कुमार पहना दी। चलिए ब्रह्मपुर की जनता जिंदाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।